हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। आप सभी का मेरे चैनल अम्बे किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट सी आसान सी बनने वाली रेसिपी, प्याज के पकोड़े। दिल्ली में 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, तो हमें आइडिया आया क्यों नहीं हमें प्याज के पकोड़े की रेसिपी डालनी चाहिए। अगर आप लोगों की तरफ बारिश ना भी हो रही हो तो अपने दोस्तों को बुलाइए और उन्हें भी प्याज के पकोड़े खिलाइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए हम पकोड़े बनाते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 4 ग्रीन चिली, 4 मीडियम टू बड़ा वाला साइज़ का प्याज, जिसे हम रफली चॉप कर देंगे। इसे हम फाइन चॉप नहीं करेंगे, क्योंकि फाइन चॉप करने से वो प्याज नमक छोड़ती है, पानी नमक की वजह से पानी छोड़ती है, जिससे हमारे पकोड़े कुरकुरे नहीं बनेंगे और खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए हमें थोड़े मोटे मोटे की तरह ही प्याज को काटना है। तो चलिए हम एक एक करके सारे प्याज को काट लेते हैं। और सारे प्याज को काट करके हम एक बड़ी वाली बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इस सभी को डाल देंगे उसमें, और आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच कलौंजी भी डालेंगे, 2 बड़े चम्मच बेसन, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा डालेंगे। हाँ, चावल का आटा आप डालना स्किप ना करें, उसी की वजह से हमारे पकोड़े कुरकुरे बनेंगे। अगर आटा चावल का ना हो तो आप ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं, अगर वो भी ना हो तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। ये डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे पकोड़े कुरकुरे बनते हैं। तो इसमें हम थोड़ा चम्मच से, या 1-2 चम्मच, 3 चम्मच करके, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालें, नहीं तो हमारी जो बैटर है वो गीली हो जाएगी और हमारे पकोड़े गीले गीले से बनेंगे, कुरकुरे नहीं बनेंगे। इसलिए बहुत हम कम थोड़ा थोड़ा करके पानी उसमें डालेंगे, और इतना ही पानी डालें जैसे प्याज में बेसन अच्छे से सारी चीज़ें एक दूसरे से लपेट जाए बस। और उसके बाद, हाँ, हमने अजवाइन पहले नहीं डाली थी, इसलिए बाद में डाल के हमने दिखा दिया है आपको। अब हम एक पैन डालेंगे, पैन में सरसों का तेल डालें। सरसों के तेल में प्याज के पकोड़े बहुत टेस्टी होते हैं, इसलिए हम सरसों का तेल ही डाल रहे हैं। उसे हाई फ्लेम पर हम गरम करेंगे। लो फ्लेम पर आप पकोड़े नहीं डालें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेल सोख लेगा और वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, मुंह में जैसे तेल तेल सी आएगी। और थोड़ा सा टुकड़ा डाल करके हम चेक कर लेंगे कि हमारी तेल अच्छे से गर्म हुई है कि नहीं। देखिए, हम डालते ही पकोड़े ऊपर आ गए, यानी कि तेल अच्छे से गर्म हो गई है। आप ऐसे नहीं समझे तो थोड़ी थोड़ी सी देखिए धुआं जैसे उठने लगेगी, तो सोचिए हमारा तेल गर्म हो गया है। तो हम हाथ पर थोड़ा सा ऐसे लेकर के बैटर चपटा चपटा पकोड़े जैसे बनाएंगे। और अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा है तो आप ऐसे ही छोटे 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 पकौड़े जैसे डाल सकते हैं, छोटी छोटी बारीकी जैसे डाल सकते हैं। और याद रहे, फ्लेम पूरी हाई होनी चाहिए, और जितना हो सके पैन में हम भर के पकौड़े डाल देंगे। अगर उसमें जगह ना हो तो ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं डालें, नहीं तो फिर हमारी तेल ठंडी हो जाएगी और फिर हमारे पकौड़े तेल सोख लेंगे। और देखिए, जब पकोड़े एक तरफ ब्राउन सी दिखने लगे तब हम पकोड़े को पलट देंगे। इसी तरह जब दूसरी तरफ से भी ब्राउन हो जाए तब हम उसको पलट देंगे। ऐसे 1-2 बार पलट करके हम पकोड़े को बाहर निकाल लेंगे। अब किसी भी छन्नी से उसे निकाल दीजिए और एक टिश्यू पेपर पे डाल दीजिए, जिससे एक्स्ट्रा तेल वो टिश्यू पेपर पे सोख ले। इसी तरह जो बचा हुआ बैटर है उसके भी हम पकोड़े तल लेंगे। उसी तरह
एक तरफ ब्राउन हो जाए तो पलट लें, दूसरी तरफ जब ब्राउन हो जाए तो थोड़ा सा और पलट दें, और उसके बाद हम सारे पकौड़े निकाल लेंगे। देखिए हमारा इस तरह का कलर होना चाहिए, एकदम गोल्डन ब्राउन। और ऐसे छान करके एक्स्ट्रा तेल जो है जो हम पैन में गिरा देंगे, और उसे वापस हम ट्रे में निकाल लेंगे जितने भी। और वो देखिए हमारे पकोड़े तल के हो गए हैं रेडी, जो कितने यम्मी यम्मी से दिख रहे हैं। और इसे ग्रीन चटनी के साथ या चाय के साथ या इमली की चटनी के साथ आपको जैसा पसंद हो खाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।